सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हरजीत की रसोई को, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरजीत की रसोई। रंगों से भरा होली का त्योहार गुजिया के बिना बिल्कुल अधूरा सा है, और अगर हम गुजिया अपने हाथों से बनाकर खाएं और खिलाएं तो इस त्योहार की मिठास तो बहुत ही बढ़ जाएगी। पर अक्सर बच्चे गुजिया नहीं खाते हैं, तो आज मैं दो तरीके की गुजिया बना रही हूँ। पहली मैं बनाऊंगी खोआ, जिसे कि मावा भी कहते हैं, उसमें सूजी को मिक्स करके, और दूसरी मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए चॉकलेट वाली। इनको मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी। सबसे पहले तो हम गुजिया का डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा ले लिया है, और इसमें डालेंगे 1/4 कप देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। ये जो मैदे में हम घी डाल रहे हैं, इसे मोयन देना भी कहते हैं। अगर हम देसी घी डालेंगे तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, और उसके बाद अगर हम गुजिया को रिफाइंड ऑयल में फ्राई भी कर लेंगे तब भी इसमें देसी घी की खुशबू आती है। तो देसी घी से आप इसमें मोयन डाल लें और अच्छी तरह से इसे हाथों से मलकर मिक्स कर लें। अब इस तरह से जो हम घी डालकर मोयन देते हैं, इससे गुजिया बहुत खस्ता बनती है, पर इसका भी एक हिसाब रखना है। जैसे मैंने 2 कप में 1/4 कप मोयन डाला है, इससे ज़्यादा ना डालें। इससे ज़्यादा डालने से गुजिया कई बार घी में फट भी सकती है। अब देखें, इसे हम इस तरह से चेक कर लेंगे। जब हाथ में इस तरह से हम मैदे को लेकर दबाएंगे तो इस तरह आपस में चिपकने लग जाए, लड्डू की तरह बाइंड होने लग जाए, तो समझे कि मोयन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो इसमें पानी डालकर इसका हम डो बनाएंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये मैंने 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसका डो बनाएंगे। डो हमें थोड़ा टाइट ही बनाना है, जैसे हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं उससे भी थोड़ा सा टाइट बनाना है। अभी हमारा डो बनकर तैयार हो गया है, तो इसे हम ढक देंगे गीले कपड़े से और 15 से 20 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून सूजी डाल लेंगे। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे 100 ग्राम खोआ यानी मावा, और दोनों को हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम सिम रखेंगे। अब ये रोस्ट हो गए हैं, इसको रोस्ट होने में टाइम लग गया है, तकरीबन 5-6 मिनट तो लगे हैं। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये मैंने थोड़े से बादाम, काजू, चिरौंजी, पिस्ता और किशमिश लिए हैं। इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इन्हें भी हम इसी में डाल देंगे, जिससे ये भी हल्के हल्के रोस्ट हो जाएंगे और इनका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं। ये देखें, इतना अच्छा कलर भी आ गया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी इसमें हम डालेंगे शुगर और नारियल का बुरादा। जब तक हम चॉकलेट वाली स्टफिंग बना लेते हैं, सेम ही करना है। सबसे पहले 2 टेबल स्पून सूजी को ड्राई रोस्ट करने रखना है, साथ ही डाल देंगे 100 ग्राम खोआ और इनको इकट्ठे ही हम ड्राई रोस्ट करेंगे। फिलिंग तो तकरीबन यहाँ तक सेम ही है। इसके बाद हमने ड्राई फ्रूट को काट कर नहीं डालना है, हम इसको पीस कर डालेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, मुँह से निकालते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपके बच्चों को पसंद हो, उस ड्राई फ्रूट को आप मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें डालें। और अब इसमें जाएगा चॉकलेट। ये हम चॉकलेट वाली गुजिया बना रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे कोकोआ पाउडर, 2 टेबल स्पून डालेंगे इसे भी, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। जब ये भी फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो इसमें हम मिलाएंगे चीनी और नारियल का बुरादा। अब ये हमारी सूजी और मावा वाला मिक्सचर जो हमने बनाया है फिलिंग, वो ठंडा हो गया है, तो इसमें हम डाल लेंगे
दो टेबल स्पून नारियल का बुरादा और हाफ कप पाउडर शुगर लिया ही मैंने, ये डाल देंगे। आप शुगर को मिक्सी में पीस लें और पाउडर शुगर बना लें। शुगर को अगर हम गर्म फिलिंग में मिला देंगे तो शुगर मेल्ट हो जाएगी और स्टफिंग गीली हो जाएगी, तो गुजिया बनेगी नहीं, खराब हो जाएगी। इसलिए जब फिलिंग ठंडी हो जाती है तभी इसमें पाउडर शुगर मिलाना होता है। इसी तरह से हम चॉकलेट वाली फिलिंग में भी जब वो ठंडी हो जाएगी तो नारियल का बुरादा और शुगर का पाउडर डालेंगे। अगर आपके बच्चों को नारियल का बुरादा पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। अब डो को भी 15-20 मिनट हो गए हैं तो बनाने से पहले इसे थोड़ा सा मल लेंगे। इससे हम पूड़ी के पेड़े के बराबर छोटे छोटे से पेड़े भी बना लेंगे और उन्हें भी हम ढककर गीले कपड़े से रख देंगे। और एक कटोरी में हम 1 चम्मच मैदा लेंगे, उसे थोड़े से पानी में घोल कर रख लेंगे। इससे हम गुजिया को चिपकाने में यूज करेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, उसे थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे और उसे अब बेलेंगे। आप देखेंगे कि इसमें मैंने ना ऑयल लगाया है ना ही मैंने सूखा मैदा लगाया है। इसी तरह से बेलना है। आटा इतना टाइट होना चाहिए कि इसको हम पूड़ी की तरह बेलें और तैयार कर लें। और ये मैंने साँचा लिया है बनाने के लिए। इस तरह के साँचे मार्केट में इजीली मिल रहे हैं, आप कोई भी साँचा अपनी पसंद का ले आएं और उससे बनाएं, बहुत ही इजीली फिर हमारी गुजिया बन जाएंगी। अब इस साँचे के ऊपर मैं रखूंगी ये बेली हुई पूड़ी और इसके ऊपर डालेंगे फिलिंग। आप चाहे तो एक ही तरफ फिलिंग रख लें थोड़ी ज़्यादा, तो ये मैं दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी फिलिंग रख रही हूँ जिससे कि ज़्यादा फिलिंग खाने में अच्छी लगती है। कई बार हम गुजिया खाते हैं तो बीच में से खाली खाली सी लगती है, कम उसमें फिलिंग होती है तो खाने में उसको स्वाद नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही इसमें डाल रही हूँ फिलिंग। अब इसके कोनों पर ये जो हमने मैदा घोल कर रखा है इसे उंगली से लगा लेंगे जिससे कि गुजिया आपस में चिपक जाएगी। अब ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो हमने इसमें फिलिंग डाली है ये कोनों पर ना आए। जहाँ जहाँ हम गुजिया को चिपकाते हैं गुजिया के वहाँ कॉर्नर पे फिलिंग ना आए, नहीं तो गुजिया अच्छी तरह से चिपकेगी नहीं और तलते वक्त ऑयल में खुल जाएगी। अब इसे हम आराम से बंद करेंगे और दबा देंगे। और ये देखें साइड से जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम हटा देंगे। ये मैदा हम फिर से गुजिया बनाने में यूज़ कर लेंगे। अब इस सांचे को हम खोलेंगे, गुजिया को आराम से निकाल लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी गुजिया बनी है। इसी तरह से हम चॉकलेट वाली गुजिया को भी बनाएंगे, सेम मेथड है। पूड़ी की तरह इसको हम बेल लेंगे। अब सांचे के ऊपर इस पूड़ी को रखेंगे, इसमें फिलिंग डालेंगे। फिलिंग को दोनों साइड में अच्छी तरह से डाल लेंगे, कॉर्नर पर फिलिंग ना आए ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैदे का जो घोल बनाया है उसको साइड्स पे लगा लेंगे और इसको दबाकर बंद कर देंगे सांचे को। और एक्स्ट्रा मैदा हम निकाल देंगे और अब इसे खोलेंगे तो ये देखें कितनी अच्छी गुजिया बन गई है। और इसे निकालकर अलग प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम सारी की सारी गुजिया बना लेंगे। अब ये हमारी दोनों तरह की थोड़ी थोड़ी सी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं, तो पहले हम इन्हें तल लेते हैं। ऑयल तैयार है, इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। इसे चेक कर लेते हैं, देखें बस इसे इतना ही गर्म करना है। गैस को हम बिल्कुल सिम रखेंगे और इसमें गुजिया डाल देंगे। शुरू में 2-3 मिनट तक गुजिया को हम हिलाएंगे नहीं। अब 3 मिनट हो गए हैं तो इसे हिला लेंगे। 4-5 मिनट के बाद अगर आपको लग रहा है कि गैस ज़्यादा सिम है तो इसे मीडियम कर लें, उसके बाद फिर सिम कर लें। इस तरह से आप इसे बनाएं। तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं एक बार की गुजिया को फ्राई होने में। आप देखें इसका कलर भी अच्छा आ गया है, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको, तो इनको हम निकाल लेंगे। इनको साइड में इस तरह से करके रोक लेंगे जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और इनको निकाल लेंगे।
इसी तरह से हम बाकी की सारी गुजिया को भी फ्राई कर लेंगे। ये मैंने दोनों तरह की गुजिया को फ्राई कर लिया है। ये तो है मावा और सूजी वाली, और ये है चॉकलेट वाली। चॉकलेट वाली गुजिया को हम चॉकलेट में डिप करेंगे। इसके लिए मैंने चॉकलेट को डबल बॉयलर तरीके से मेल्ट कर लिया है। इसमें हम एक गुजिया को डालेंगे, डिप करेंगे और इस तरह से उलट पुलट करेंगे कि ये इसके चारों तरफ चॉकलेट लग जाए, और इसे हम निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। प्लेट के ऊपर मैंने फॉइल लगाया हुआ है। अब इनके ऊपर स्प्रिंकल डाल रही हूं मैं। ये स्प्रिंकल इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। इन पर हम थोड़े थोड़े स्प्रिंकल डाल देंगे जिससे कि देखने में अच्छी लगेंगी। अब चाहे तो इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, या फिर इसे इसी तरह उठाकर फ्रिज में रख देंगे प्लेट को। 10-15 मिनट में ये चॉकलेट जो है जम जाएगी। अब ये देखिए दोनों तरह की गुजिया तैयार हो गई हैं। ये चॉकलेट वाली गुजिया को मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसकी चॉकलेट बिल्कुल अच्छी तरह से जम गई है, हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। बच्चे इसे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। तो ये बच्चों की बहुत ही पसंदीदा गुजिया तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर घर पर बनाएं, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। साथ ही खोआ और सूजी वाली जो गुजिया बनाई है, ये तो बनती ही बहुत स्वाद है। तो आप इन दोनों को घर पर ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें। हैव अ हैप्पी सेफ एंड स्वीट होली। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।